अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कांग्रेस पार्टी हुकूमत ला चुकी है तेलंगाना में और केसीआर साहब की हार हो चुकी है। दोस्तों, ये सवाल मेरा दोनों हुकूमत से है कि क्यों नहीं दे देते डबल बेडरूम की चाबी, और क्यों नहीं दे देते राशन कार्ड जिसके पास भी नहीं है वो लोग को चाबी। आप लोग डबल बेडरूम तो बना दिए हैं, मगर कुछ एरिया में काम भी जो है अभी थोड़े बाकी है, और 35,000 घर भी जो है आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए हैं। दोस्तों, हुकूमत को चाहिए रेवंत रेड्डी जैसे शपथ लेते ही सबसे पहले डबल बेडरूम और तमाम पुराने स्कीमात के बारे में ये क्लियरिकेशन देना चाहिए हुकूमत को, क्योंकि हुकूमत आया है, आप लोगों ने जिताया है। ये बात जो है दिलो दिमाग में रहनी चाहिए नई हुकूमत को, क्योंकि हुकूमत सिर्फ 5 साल की होती है। दोस्तों, आइए ये जानते हैं इस्कीमात, कांग्रेस पार्टी के 6 इस्कीमात, और उन्होंने वादा किया है जल्द से जल्द पूरे करेंगे। तो नंबर 1 पर आता है महालक्ष्मी, हर गरीब खवातीन को 2500 रुपये दिए जाएंगे और गैस सिलेंडर 500 रुपये में दिया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, 500 रुपये में गैस सिलेंडर है। दोस्तों, ये स्कीमात जो है, तमाम स्कीमात जो है 2024 और 1 जनवरी से 1 तारीख से स्टार्ट होंगे, तो आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। तो आइए पहले पूरी तफसीलात जान लेते हैं दोस्तों। और फ्री ट्रैवलिंग्स आरटीसी बस गरीब खवातीन को हर महीना 2500 रुपये, हर गरीब खवातीन बोनस, और 15,000 रुपये हर सालाना किसान को दिए जाएंगे, 12,000 भी दिए जाएंगे। और तीसरे नंबर पर आता है गृह ज्योति यूनिट, 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया जाएगा, यानी कि जिसका भी जाति घर है उन लोगों को जो है 200 यूनिट फ्री दिया जाएगा, लाइट का बिल यानी माफ़ कर दिया जाएगा। और चौथे नंबर पर आता है इंद्रम्मा इंदोलू। दोस्तों, जिस किसी का भी पास घर नहीं है वो लोग को 5 लाख तक दिए जाएंगे, और जिसके पास ज़मीन है वो लोग को भी 5 लाख दिए जाएंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और 250 स्क्वायर फीट आपको फ्लैट दिया जाएगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और पांचवें नंबर पर आता है युवा विकासम, यानी कि 5 लाख का कार्ड दिया जाएगा स्टूडेंट को, और हर तेलंगाना के मंडल में जो है एक स्कूल तामीर किया जाएगा। छठवें नंबर पर आता है दोस्तों चेवतु यानी पेंशन, हर गरीब खवातीन को जो है 4,000 रुपये हर महीना दिया जाएगा। और आरोग्या राजीव आरोग्या इंश्योरेंस, 10 लाख तक का इंश्योरेंस आप लोगों को दिया जाएगा। हुकूमत को चाहिए कि जल्द से जल्द जो है राशन कार्ड जारी करें, क्योंकि पिछले 10 साल में राशन कार्ड जारी नहीं हुए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, और ऐसे भी लोग हैं, कई लोग की शादी हो चुकी है, उनका नाम कट हो चुका है, मगर वो लोग के पास भी राशन कार्ड नहीं है। हुकूमत जो है तमाम पुराने स्कीमात और जो है ये नए स्कीमात का और राशन कार्ड का साथ ही साथ जो है क्लियरिकेशन देना चाहिए हुकूमत को। दोस्तों, 7 तारीख को रेवंत रेड्डी शपथ ले रहे हैं, यानी कि कल। आप लोग जो है अपना मेरा वीडियो शेयर करें ताकि हुकूमत तक जा सके और मालूम हो सके वो लोग को भी कि पब्लिक किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है पिछले 10 साल से, और हमें क्या क्या मिला और क्या क्या नहीं मिला। दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करिए। अल्लाह हाफिज़।